एंड वेलकम टू वन एकेडमी। सो लेक्चर नंबर 8 करने वाले हम लोग क्या आज एक्सटेंशन ऑफ मूविंग एरन इंस्ट्रूमेंट। तो कल इतनी बेहतरीन बात किए थे हम लोग कि भाई एसी सर्किट के लिए हम लोग मेजरमेंट में मूविंग एरन क्यों यूज करते हैं, पीएमएमसी क्यों यूज नहीं करते, ये सब की बहुत बेहतरीन बात किए थे। ठीक है, तो आपको ये पता रहे कि हम कैसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलते जा रहे हैं, एक एक चीज का रीजन लेते हुए चलते जा रहे हैं, है ना। हमको ये भी पता है कि भाई पीएमएमसी को ही डीसी में क्यों यूज करते हैं, मूविंग आयरन को एसी में क्यों यूज करते हैं। तो आपको फिजिक्स के समान में मेजरमेंट पढ़ा रहा हूँ और आपको पता है कि आपको इससे सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं मिल सकता। ठीक, तो सबसे पहली चीज, तो जो लोग मेरे को स्क्रीन में पहली बार देख रहे हैं या आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, बाकी सब तो नाम जानते ही होंगे, ठीक है, बट जो लोग पहली बार आए हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, आई एम दीप्तांशु चौबे, ओके, एआईआर 157 एंड 186 एंड आई हैव क्रैक मल्टीपल पीएसयू एग्जामिनेशंस विद एंड आई हैव ऑल्सो मेंटर्ड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मीडियम। ठीक है, अगर आप बात करो तो मेरी कुछ यहाँ फेवरेट सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, एनालॉग कंट्रोल नेटवर्क पावर सिस्टम मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी अभी बीएआरसी में चल रहा है, अभी थोड़ा देर पहले इसका मैंने क्विक रिवीजन भी लिया था नेटवर्क थ्योरी का। ठीक है, मेजरमेंट अभी आप देख पा रहे हैं लक्ष्य बैच में चल रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी सेंसर आने वाला है आपके अनअकैडमी प्लस पे, मैं डेट अनाउंस कर दूंगा इसकी। ठीक है, और ये बाकी सब्जेक्ट मैं आपके लिए टाइम टू टाइम डील करता जाऊंगा। ठीक है, आपको पता है कि गेट का जो दुनिया है ना, ये समुंदर के समान है। ठीक है, इसमें अगर एक बार आप जंप मारोगे तो एकदम अथाह सिलेबस आपको कवर करना पड़ता है, और इस समुंदर में ना बहुत सारे जंगली जानवर है जो आपको काट खाने के लिए तैयार है। आपको पता है कि भाई ये इसका लेंथ ब्रेथ और डेप्थ जो है ना सिलेबस का बहुत ज्यादा है। तो अगर आप सच में बहुत सीरियस एस्पायरेंट है, आपको सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए, ठीक है, तो आपको जरूर एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए। मुझको नहीं लगता कि अनअकैडमी से बेटर स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको इंडिया में आज की डेट पे एक ही आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आपको आना है अनअकैडमी प्लस पे तो आप बिल्कुल ये कोड यूज कर सकते हैं डीसी सर 01, आपको 10% इस पे ऑफ मिलेगा। बात 10% ऑफ की नहीं, ठीक है, इस कोड में स्पेशल क्या होने वाला है। ठीक है, इस कोड में ना जैसे आप ये कोड लगाओगे, आपके और मेरे बीच में एक स्पेशल रिलेशन क्रिएट होगा। आई विल बी मेंटर फॉर योर जर्नी, जो आपका गेट और एसी का फील्ड होता है ना, उस पर मैं आपके लिए आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा, विच आई मिस्ड मोस्ट इन माय टाइम। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे मेरा रैंक लिखा हुआ है, तो जब मैं स्टूडेंट था तो मैं बहुत मिस करता था एक अच्छे मेंटरशिप। उनको लगता था कि यार कोई बड़ा होता जो मुझको बता देता कि भाई ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इस सीक्वेंस में पढ़ना है, तो ये सब अगर मैं उसको बता देता ना तो मैं उसको बहुत अच्छे से मार्क्स में कन्वर्ट कर पाता। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, जो भी इस कोड को यूज करेगा, आई विल बी मेंटरिंग देम थ्रू आउट देयर जर्नी। कभी उसको लो फील होता है टेस्ट देने के बाद, कभी उसको एक्साइटमेंट फील होता है टेस्ट देने के बाद, उसको सीक्वेंस क्लियर नहीं है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सब कुछ एक बड़े भाई की तरह हमेशा आपका साथ दूंगा। अगर कोई मेरा छोटा भाई होता, उसको मेरे को गाइड करना होता, तो जैसा मैं उसको गाइड करता वैसा ही मैं आपको भी गाइड करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल फ्री रहें, है ना। चलिए अगर आगे बढ़ो तो बताओ, अनअकैडमी के पास ना दो टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक होता है प्लस एक होता है आइकॉनिक। पहले हम क्या देख सकते हैं, जैसे अभी मैं आपसे लाइव बात कर पा रहा हूँ, एक क्रिकेट मैच को स्टेडियम में देखना और एक क्रिकेट मैच को रिकॉर्डेड फॉर्म में हाइलाइट्स में देखना, आपको भी डिफरेंस पता है। तो लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी हर एक सब्जेक्ट की, इंडिया के सारे टॉप एडुकेटर से, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है आप उससे पढ़िए। ठीक है, आपको क्रैश कोर्सेस मिलेंगे। कई लोग के माइंड में होगा सर क्रैश कोर्स का हम क्या करेंगे सर, अगर हम स्ट्रक्चर्ड कोर्स ले देते हैं तो मेरे भाई क्या बताया स्टार्टिंग में मैं, समुंदर है गेट एसी का सिलेबस। ठीक है, कई बार क्या होता है कि समुंदर पार करते करते ना टाइम खत्म होने लगता है, किसी के पास भी इनफाइनाइट टाइम तो है नहीं, ना आपके पास ना मेरे पास, किसी के पास दुनिया में इनफाइनाइट टाइम नहीं है। ठीक है, तो मान लो कि कोई आपको बता दे, जैसे मैं आपको बता दूंगा कि मेरे भाई देखिए ये सब्जेक्ट का वेटेज ना थोड़ा सा कम है, तू ना इसका फुल कोर्स मत कर, तू उसका क्रैश कोर्स कर ले, इससे तेरा 50-60 घंटा बच जाएगा, दैट इज क्रैश कोर्स। और इसको ना बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज पढ़ाए हैं, तो उनको पता है कि कहाँ पे कैसे कंप्रेस करना है सच दैट आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस मिस ना हो। ठीक है, वीकली टेस्ट मिलेगा आपको, रेगुलर असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वीकली टेस्ट मिलेगा, डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आजकल तो तुरंत डाउट सॉल्व हो जा रहा है आपका अनअकैडमी के ऐप पे। ठीक है, आप फोटो खींच के डाल सकते हैं, और ये सब आपको एक ही ऐप पे मिलने वाला। सबसे बड़ी चीज ये है कि सारी चीजें ना एक ही ऐप पे इंटीग्रेटेड है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी से उसमें से तो एक ही काम का होता है, रैंक इंप्रूवमेंट बैच। यार कई लोग के साथ ऐसा होता है कि 2-3 साल से गेट दे रहे हैं सर, 2000 रैंक पे आके अटक गए हैं, अब सर 2000 से ना ऊपर कैसे जाएं ये नहीं पता, सर 2000 से ऊपर कैसे जाएं ये नहीं पता, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, एक्सपर्ट्स विल गाइड यू हाउ टू इंप्रूव योर रैंक। ठीक है, हाँ, देन इस प्रॉब्लम टू बाय प्लस सब्सक्रिप्शन, मुझसे बात कर लेना, बता दूंगा प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं। हाँ, अगली चीज है आपके पास आइकॉनिक पर्सनल कोच, यार वन ऑन वन आपको कोचिंग मिल जाएगी। ठीक है, आपके लिए ही एक कोच डेडिकेटेड रहेगा अगर आप आइकॉनिक के
स्टूडेंट है तो स्टडी प्लानर आपको मिलेगा, प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस। मेरे को पता है कि ना इंडिया में मैक्सिमम लोगों को ना अपने टेस्ट का सही से एनालिसिस करना भी नहीं आता। हम आपको प्रोवाइड करेंगे पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस और इस सब आपको बहुत ही कम कॉस्ट पे मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस पे। आप बस डीसी सर 01 कोड को यूज कीजिएगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा अपनी इस जर्नी में। आई विल मेक श्योर कि आपकी जर्नी को मैं आसान बना सकूं, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि लक्ष्य और आरोहण बैचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंग्लिश में स्पार्क एंड वर्क बैचेस फॉर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बोथ, और सुबह 7 बजे विष्णु सर इसमें लेते हैं सिग्नल सिस्टम। ही इज द पर्सन जिससे आपको सिग्नल सिस्टम पढ़ना चाहिए। अगर आप सिग्नल सिस्टम पढ़े हैं तो आप पढ़ाए हैं तो प्लीज पढ़िए एंड फील द डिफरेंस, ठीक है। और बता दूं आपको, कहीं पर भी आप कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो डेफिनेटली यू कैन रिपोर्ट इट एंड यू कैन डेफिनेटली विल रिमूव इट एंड यू विल आल्सो गेट प्राइस फॉर दैट, ठीक है। तो आज का सेशन अपन करते हैं चालू, है ना। बहुत कुछ अभी अपने को देखना है, मूविंग एन इंस्ट्रूमेंट को जस्ट अभी फील करना स्टार्ट किया ही था, है ना, लेकिन अब उसको ना थोड़ा सा डायनेमिक्स में लेके जाते हैं, ठीक है। तो मैं हेडिंग डालता हूं क्या, टॉर्क इक्वेशन ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। क्या हेडिंग डाल रहा हूं मैं आपके पास, टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कल आपको बहुत ही बेस से समझाया था कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट काम कैसा करता है, इसको बहुत ही बेस से आपको मैंने एक्सप्लेन किया था मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट काम किस प्रकार से करता है इस चीज को, ठीक है। आज इसका ना एक्चुअल हम लोग टॉर्क इक्वेशन निकाल के देखते हैं, ठीक है। गुलशन जी, आप मेरे को फेसबुक में सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं, क्रिएटर से ग्रुप में भी आपको दिख जाएंगे मेरे पोस्ट, तो बिल्कुल आप वहां से मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज हेयर कट करवाया, हेयर कट कल करवाया था, आज आपके सामने आया हूँ, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा सा वो मतलब लुक खराब हो गया था ना, वो थोड़ा सा कबीर सिंह वाला लुक आ गया था, तो नहीं ऐसा नहीं है, मैं गुस्से में नहीं था, है ना। तो आई एम नॉट रेबल विदाउट अ कॉज, ठीक है, इस कारण बाल कटवा लिए थोड़ा सा सभ्य दिखूं करके, है ना। हाँ, टॉर्क इक्वेशन अपन चालू कर रहे थे, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि यार टॉर्क इक्वेशन ना किस किस चीज के प्रोपोर्शनल है, तो बिल्कुल आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल तो था, ठीक है, लेकिन एक कांस्टेंट भी उठा के मैं लाया था, तो उस कांस्टेंट के बारे में अपने को बात करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अभी देखो, मैं इसको ना बहुत बेसिक कैलकुलस से बात करना स्टार्ट करता हूं कि टॉर्क इक्वेशन आएगा कैसे, ठीक है। लेट देयर बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट, लेट देयर बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट इन द कॉइल कैरिंग करंट, इन द कॉइल कैरिंग करंट ऑफ डीआई, ठीक है। एक कॉइल है जो कि ऑलरेडी ना करंट आई कैरी कर रहा है, ठीक है, और वही करंट आई रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। तो मैं क्या बोलता हूं कि थोड़ा सा ना इसको चेंज करते हैं, जो करंट आई था उसको आई से मैंने डीआई कर दिया। अब तो जाहिर सी बात है, करंट अगर बढ़ा तो आपका डिफ्लेक्शन बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो अगर आई करंट के लिए थीटा डिफ्लेक्शन हुआ था, तो डी आई करंट के लिए डिफ्लेक्शन में चेंजेस होंगे, एंड दैट डिफ्लेक्शन विल बी व्हाट, डी थीटा, ठीक है। तो जो ये एक्स्ट्रा आपको करंट दिख रहा है, लेट देयर बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन कॉइल कैरिंग करंट ऑफ डी आई, देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन ऑफ डी थीटा ड्यू टू डी आई, ठीक है। करंट में कर दिया हम लोगों ने चेंज, तो ये डी आई करंट, स्मॉल इंक्रीमेंटल करंट, डी आई करंट क्या लेके आएगा, डी आई करंट आपके ना डी थीटा का चेंज लेके आएगा, ठीक है। डी थीटा का क्या करेगा, ये आपके पास चेंज लेके आएगा, ठीक है। सो देयर विल बी अ मैकेनिकल वर्क डन, हेंस देयर विल बी अ मैकेनिकल वर्क डन, ठीक है। तो अगर मैं मैथमेटिकली इस मैकेनिकल वर्क डन को लिखना चाहता हूं, इसको मैं अगर मैथमेटिकली लिखना चाहता हूं, तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिख पाऊंगा मैं, देखो बड़ा सिंपल है। एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी था, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी आपके लिए एक्ट कर रहा था, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आपका मैकेनिकल वर्क डन, इसका हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वर्क डन। इफ वी टेक सब्सक्रिप्शन दैट वी गेट एक्स्ट्रा गाइडेंस फ्रॉम यू, ऑफ कोर्स इसीलिए मेरा कोड है कि मैं आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस प्रोवाइड कर पाऊं, है ना। आप मेरे साथ रहें, आप मेरे पास रहें, इसी कारण मैं आपको बोला, ठीक है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे मेरे कोड को यूज करके, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी देयर फॉर यू टू थ्रू आउट गाइड यू,
ठीक है, तो देखो ये आपके पास क्या हो गया, मैकेनिकल वर्क डन आ गया, बट यहाँ पे स्टूडेंट ना मैकेनिकल वर्क डन की नहीं, देखो सिंपल है, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, इंस्ट्रूमेंट मतलब मैकेनिकल वर्क डन को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल वर्क डन को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना। जनरेटर क्या होता है, जनरेटर में क्या करते हैं हम लोग, है ना, एक टर्बाइन को घुमाते हैं, है ना, टर्बाइन से कंडक्टर्स अटैच होते हैं, कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हमारे पास, बड़ी सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन में क्या चेंज होगा, ठीक है। तो देखो ऑफ कोर्स मैकेनिकल वर्क डन चेंज हुआ है तो देयर विल बी चेंज इन एनर्जी, है ना, देयर विल बी चेंज इन एनर्जी ऑफ कॉइल, देयर विल बी चेंज इन एनर्जी ऑफ कॉइल, देयर विल बी चेंज इन एनर्जी ऑफ कॉइल, ठीक है। हम क्या चाहेंगे कि आयरन वेन जो है ना वो आपके पास लो रिलक्टेंस पाथ की तरफ मूव करना चाहेगा, है ना, हमेशा आपका जो मटेरियल है वो क्या फॉलो करना चाहता है, वो फॉलो करना चाहता है लो रिलक्टेंस पाथ। सर ऐसा कैसे, आप मेरे को एक बात बताओ, 10 एम्पियर का एक करंट है, 10 एम्पियर का एक करंट है, उसके पास दो पाथ अवेलेबल है, एक पाथ 0 ओम का है, एक पाथ 5 ओम का है, वो कहां जाना चाहेगा, करंट ऑलवेज फॉलोस लो रेजिस्टेंस पाथ, करंट की ये टेंडेंसी होती है कि हमेशा वो कम रेजिस्टेंस वाले पाथ में जाना चाहते हैं। अरे सिंपल सी बात है, आप अगर रोड पे जा रहे हो, एक रोड में ट्रैफिक जाम है, एक रोड खाली है, आप कहां से जाओगे, आप लो ट्रैफिक पाथ से जाना चाहोगे, तो करंट भी यही चाहता है कि वो कहां जाए, वो लो रेजिस्टेंस पाथ पे जाए, और यहां पे अगर कुछ डिफ्लेक्शन के लिए प्लेस्ड है तो उसके हिसाब से वो क्या चाहता है, वो भी चाहता है कि वो लो रिलक्टेंस पाथ से जाए, ठीक है। तो आयरन वेन में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, आयरन वेन, वेन मतलब समझते हो ना आप, एक पतला सा आयरन का प्लेट है जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है, वो अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करेगा, किस तरफ, वो लो रिलक्टेंस पाथ में जाना चाहेगा, वो कहां जाना चाहेगा, ही विल ट्राई टू गो, ही और शी और इट जो भी है, ठीक है, ही विल ट्राई टू गो इन लो रिलक्टेंस पाथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही विल ट्राई टू गो व्हाट, लो रिलक्टेंस पाथ, ठीक है। तो मैं ना कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यहां पर लिख देता हूं, है ना, जिसका अपन आगे यूज करने वाले हैं, जिसका अपन लोग क्या करेंगे, आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है, जिसका अपन आगे यूज करेंगे, तो देखते जाइएगा, है ना, कैसे यूज करेंगे। देखो करंट पहले से था थोड़ा सा, है ना, उसमें तो मैंने कुछ बढ़ाया ही है ना, तो मैं लिख देता हूं कि करंट आई, अपने पास क्या था, एक तो था अपने पास करंट आई पहले से, ठीक है, ये क्या है आपके पास इनिशियल करंट, ये क्या है इनिशियल करंट, ये क्या है इनिशियल करंट, है ना, और डी आई क्या है चेंज इन करंट, डी आई क्या है आपके पास चेंज इन करंट, DI is what? Change in current. DI is nothing but your change in current. ठीक है? अगर मैं बात करूं L, L is what? Inductance of instrument. Inductance of instrument. ये क्या हो गया आपके पास? Inductance of instrument हो गया. This is what? Inductance of instrument. ठीक है? And DL is change in inductance. DL is what? Change in इंडक्टेंस, ठीक है। थीटा इज व्हाट इनिशियल डिफ्लेक्शन, थीटा इज व्हाट इनिशियल डिफ्लेक्शन, और जो डी थीटा होगा ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा डिफ्लेक्शन, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा डिफ्लेक्शन, ठीक है, चेंज इन डिफ्लेक्शन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चेंज इन डिफ्लेक्शन, चेंज इन डिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड चेंज इन डिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा अभी आप समझिएगा, यहाँ पे ना चेंजेस पॉसिबल है इंडक्टेंस में, ऐसा हम प्रैक्टिकली कभी भी देखते नहीं है, ठीक है, जब भी हम नेटवर्क थ्योरी पढ़ते हैं तो देयर वी अज्यूम कि इंडक्टर को एक बार दो हेनरी का बोल दिया तो इंडक्टर आपके पास वैसे का वैसे कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट ही रहता है, ये अपने को पता है, बट मैं बात कर रहा हूँ कि इंडक्टेंस में यहाँ पे चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, यहाँ पे तो पूरा ओरिएंटेशन वगैरह सब कुछ चेंज हो जा रहा है ना, आपके फ्लक्स लाइन चेंज हो जा रहे हैं क्योंकि करंट मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, ठीक है, वो अपना ओरिएंटेशन चेंज करा, तो ऑफकोर्स इस सेटअप का इंडक्टेंस वेरिएबल है, मैं क्या बोला, इस सेटअप का इंडक्टेंस जो है दैट डिपेंड्स कि आपका आयरन वेन किस ओरिएंटेशन पे, भाई जब मैं एक नेटवर्क बोलता हूं तो एक नेटवर्क सॉरी जब इंडक्टर बोलता हूं तो क्या वो इंडक्टर मूव करता है, वो इंडक्टर मूव थोड़ी करता है, वो अपना ओरिएंटेशन चेंज करता है क्या, नहीं खाली माउंट करके रखा होता है, ठीक है, मशीन में मूव करता है, ठीक है, मशीन में आपका मूव करता है, बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पूरा सेटअप अपना ओरिएंटेशन चेंज कर दे रहा है, ठीक है, तो इंडक्टेंस में चेंज होगा। अच्छा ईएमएफ कैसा होगा, जो जो
यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू एलडीआई बाय डीटी, बट वो एल ना डिफरेंशिएशन से बाहर इसलिए आता है क्योंकि इंडक्टेंस कांस्टेंट होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंडक्टेंस वेरिएबल है, इस कारण इसको मैं अंदर ही रखा हूं। तो दिस इज व्हाट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इंडक्टेंस, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इंडक्टेंस, दिस इज व्हाट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इंडक्टेंस, दिस इज व्हाट योर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इंडक्टेंस, क्लियर। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो दिस विल बी लाइक एल डी आई बाय डी टी, करेक्ट, प्लस आई डी एल डिवाइडेड बाय डी टी। ई माने क्या है यहां पे, ई माने आपको यहां पे क्लियर कट ईएमएफ देखने को मिल रहा है। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब आपको ईएमएफ देखने को मिल रहा है, फाइन। ये ऐसा लिख दिया आपने को LDI by DT plus IDL upon DT, ये ऐसा हमने देखने को मिल गया E का वैल्यू, ठीक है। अगर हमको E का वैल्यू ऐसा देखने को मिल रहा है, देख E is equal to LDI divided by DT, ठीक है, plus IDL divided by DT, yes, अपने को देखने को मिल गया। देखो DT को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका EMF या वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय DT, ये ऐसा हो गया L टाइम्स ऑफ DI प्लस I टाइम्स ऑफ DL, करेक्ट। ये क्या है, वोल्टेज इनटू टाइम, टाइम भले स्मॉल टाइम है, मेरा तो पूरा डिस्कशन है वो स्मॉल टाइम पे बेस्ड है, मैं तो पूरा जो भी कंप्लीट डिस्कशन कर रहा हूं वो पूरा का पूरा उस स्मॉल टाइम पे ही बेस्ड है, ठीक है। अब देखो पूरे को मल्टीप्लाई करता हूं I से, करंट से, तो ये कैसा हो जाएगा, ई इंटू आई इंटू डी टी इज इक्वल टू एल इंटू आई इंटू डी आई, है ना, पूरे को I से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आई स्क्वायर डी एल। अब आप ध्यान से देखो, अब आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ई इंटू आई वोल्टेज इंटू करंट, ई इंटू आई मतलब क्या, ई इंटू आई मतलब वोल्टेज इंटू करंट होने वाला है, ठीक है। और ये क्या है dt, what is dt, dt is your time, तो voltage into current into time, of course small time, तो मैं उस small time की बात कर रहा हूँ, ठीक है। this is what, this is your energy supplied, this is what, this is your energy supplied, this is your energy supplied, this is your energy supplied, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे energy supplied, ठीक है। so this is your energy supplied, है ना। अभी क्या होगा, जो मेरा एनर्जी स्टोर था इंडक्टर में, इंडक्टर का एनर्जी स्टोर क्या होता है मेरे भाई, इंडक्टर का एनर्जी स्टोर होता है हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। इंडक्टर का एनर्जी स्टोर क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो मैं क्या कह सकता हूं कि स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी चेंजेस फ्रॉम, स्टोर्ड एनर्जी चेंजेस फ्रॉम हाफ L I square to half L plus DL, चूंकि small change हुआ आपके inductance में और current में भी तो small change हुआ मेरे भाई, तो वो क्या है आपके पास I plus DI का whole square, this is your small change, ये अपने को small change देखने को मिल रहा है, ये अपने को small change देखने को मिल रहा है, ठीक है। I plus DI का whole square, I plus DI का whole square, clear, समझ गए सभी लोग इसको, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, change in stored energy, यही तो लिखा है, change in stored energy, change in stored energy, इसको हम क्या कह सकते हैं, change in stored energy, इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो बड़ा सिंपल है ना, half, half, ठीक है, L plus DL into I plus DI का होल स्क्वायर माइनस हाफ एल आई स्क्वायर, यस, आपका चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी होगा। पहले एनर्जी, बाद में एनर्जी इतनी थी, पहले एनर्जी इतनी थी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को तो हम बोलेंगे चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। इसी को तो हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड योर चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी को ना मैं एक्सपैंड करता हूं, चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी, चेंज इन स्टोर्ड
करूंगा, देखो ये हाफ एल प्लस डी एल, ध्यान से देखना हाफ एल प्लस डी एल, और देखो आई प्लस डी एल का होल स्क्वायर था तो आई स्क्वायर डी आई का होल स्क्वायर प्लस टू आई डी आई, एकदम करेक्ट, माइनस हाफ आई सॉरी हाफ एल आई, ये ऐसा था कुछ है ना, हाफ एल आई। देखो स्टर्म को एक्सपांड करता हूं, चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी, चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी, ये क्या होगा, ये होगा हाफ इंटू, देखो पहला टर्म क्या आएगा, हाफ इंटू एल आई स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एल डी आई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास हाफ इंटू एल, हाफ इंटू एल इंटू टू आई डी आई, टू आई डी आई, ठीक है। अब देखिए दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये हाफ डी एल इंटू आई स्क्वायर में कैसा हो जाएगा, हाफ आई स्क्वायर डी एल, ठीक है, हाफ डी एल इंटू क्या हो जाएगा ये आपके पास, हाफ डी एल इंटू डी आई स्क्वायर प्लस हाफ डी एल इंटू डी आई स्क्वायर और प्लस हाफ डी एल इंटू टू इंटू आई इंटू डी आई, ठीक है, और माइनस हाफ एल आई, ये ऐसा अपने को देखने को मिल गया, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये पूरा आपको मैं ऐसा एक्सपैंड कर दिया, एक एक टर्म को मैंने एक्सपैंड कर दिया, एक एक टर्म को मैंने एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। अब देखिए आप एक चीज समझना, अगर एक नंबर है वन, वन को कर दिया स्क्वायर आप, तो कितना होगा वन होगा। अगर एक नंबर है टू, टू को कर दिया स्क्वायर, कितना टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, करेक्ट बात। अगर मैं बोलता हूं 0.01 को आप स्क्वायर करो तो वो क्या होगा 0.0001। अगर वन से छोटे नंबर को या छोटे नंबर को आप स्क्वायर करते हो तो वो और छोटा बनता है, वन से बड़े नंबर को आप स्क्वायर करते हो तो और बड़ा बनता है। तो यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं डी एल डी आई, ये सब छोटे नंबर है ना, तो आप देखना मैं यहाँ पे ना कुछ टर्म्स को नेगलेक्ट कर रहा हूं। सबसे पहली चीज तो क्या, ये हाफ एल आई स्क्वायर इस हाफ एल आई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो जो ये टर्म है डी आई, पैसे बहुत छोटा था, डी आई का स्क्वायर तो और बहुत छोटा होगा, करेक्ट बात है ना। देखो यहाँ पर टू और टू निपट गया, ठीक है। अब देखो ये टर्म रहेगा, ये देखो डी एल इंटू डी आई स्क्वायर है, तो देखो डी आई ऐसी बहुत छोटा था, उसका स्क्वायर और बहुत छोटा होगा, इग्नोर, ठीक। यहाँ पर टू और टू आपके पास कैंसिल हो गया, यहाँ पर टू और टू क्या हो गया आपके पास कैंसिल हो गया, ऊपर से डी एल बहुत छोटा डी आई बहुत छोटा, दो बहुत छोटे नंबर मल्टीप्लाई होकर और बहुत छोटा बन जाएगा, तो ये भी आपके पास नेगलेक्ट हो गया। तो देखो बचा क्या है ना, चेंज चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी, चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। ये कैसा होगा, हाफ, देखो पहला टर्म क्या आएगा, ये टर्म तो गायब, ये टर्म भी गायब, यहां क्या बचा एल आई डी आई, एल आई डी आई, जो नंबर छोटे हैं ना उनको मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। फिर अगला टर्म ये हाफ आई स्क्वायर डी एल, बस इतना ही बच पाया, बस इतना ही छोटा छोटा नंबर आपके पास बच पाया, एल आई डी आई प्लस हाफ आई स्क्वायर डी एल प्लस हाफ आई स्क्वायर डी एल, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अभी देखना, अब कहानी को मैं कंक्लूड करने वाला हूं, ठीक है, अब कहानी को मैं कंक्लूड करने वाला हूं, ठीक है। तो अब बताता हूं मैं आपको कहानी क्या थी, शुरुआत कहां से किया, एक कॉइल था बेटा, वो करंट कैरी कर रहा था, करेक्ट बात, उस करंट को मैंने बढ़ा दिया डीआई से, ठीक है, उस करंट को मैंने डीआई से बढ़ा दिया, अगर उस करंट को मैंने डीआई से बढ़ाया तो डीआई की वजह से डी थीटा चेंजेस आए। तो कहानी यहां से है कि हम इंस्ट्रूमेंट अपना आराम से एक साइड में रख के काम कर रहा था, उसको मैंने जबरदस्ती एक्स्ट्रा एक सप्लाई दे दिया, वो एक्स्ट्रा सप्लाई क्या था, वो एक्स्ट्रा सप्लाई था आपके पास बहुत बेसिक सा डीआई, और उस डीआई के साथ क्या डी थीटा, करेक्ट, ठीक है। तो वो डी आई और डी थीटा की स्टोरी आ गई, डी आई और डी थीटा की आपके पास क्या आ गई, डी आई और डी थीटा की आपके पास स्टोरी आ गई, ठीक है।
तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी हाफ एल डी एल ऐसा आपको देखने को मिला है ना। तो शुरुआत कहां से हुई थी, शुरुआत हुई थी इस टर्म से है ना। देखो E इक्वल टू डी अपॉन टी इनटू ऐसा लिखा था, तो ये कहां पे कन्वर्ट हुआ था, ये एनर्जी सप्लाइड, ठीक है। तो एनर्जी सप्लाइड का वैल्यू मेरे पास लिखा हुआ है, एनर्जी सप्लाइड का वैल्यू क्या है, एल आई डी आई प्लस आई स्क्वायर डी एल थीटा, ठीक है। तो एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड, भाई मैंने एनर्जी सप्लाई की वो वैल्यू क्या है मुझको पता है ना। इससे क्या होगा, इससे होगा आपका एक चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी, मतलब क्या है, जो एनर्जी चेंज आया, चेंज इन एनर्जी ऑफ कॉइल, ठीक है। जो मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई की उससे हुआ क्या, सबसे पहले तो उससे कॉइल ने अपनी एनर्जी को चेंज कर लिया, कॉइल ने अपनी एनर्जी को बढ़ा लिया। दूसरा क्या हुआ बेटा, दूसरा हुआ मैकेनिकल वर्क डन, भाई वो नीडल में डिफ्लेक्ट हुआ ना, तो दूसरा क्या हुआ, दूसरा आपके पास मैकेनिकल वर्क डन हुआ। तो चेंज इन एनर्जी ऑफ कॉइल प्लस मैकेनिकल वर्क डन, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल कहानी है, एनर्जी हमने सप्लाई की थी, उससे दो चीज हुए, कॉइल ने उससे एनर्जी थोड़ी सी रख ली, अपनी एनर्जी बढ़ा ली, और दूसरा मैकेनिकल वर्क डन हो गया, ठीक है। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं बहुत ध्यान से लिखूं, इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले तो क्या लिखूंगा, एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड क्या है, एल आई डी आई, एल आई डी आई, एल आई डी आई प्लस आई स्क्वायर डी एल, ये आपका एनर्जी सप्लाइड है। ये क्या है आपके पास, एनर्जी सप्लाइड है, ये आपके पास क्या दिख रहा है, एनर्जी सप्लाइड है, ठीक है। उससे क्या हुआ, चेंज इन एनर्जी ऑफ कॉइल, कॉइल ने अपनी एनर्जी चेंज की है ना, ये एनर्जी सप्लाइड एल आई डी आई प्लस आई स्क्वायर डी एल, एल आई डी आई प्लस आई स्क्वायर डी एल। अब देखो सप्लाइड एनर्जी में चेंज कितना हुआ, एल आई डी आई प्लस हाफ आई स्क्वायर डी एल, एल आई डी आई प्लस हाफ आई स्क्वायर डी एल, ठीक है। प्लस मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कितना था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका डिफ्लेक्शन हुआ हुआ है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया आपके पास, ठीक इतना मैंने लिख दिया। अब इसमें से क्या गायब होने वाला है, ये दोनों भाई तो अपने आपस में निपट लिए, ये और ये आपस में कैंसिल, ठीक। बचा क्या अपने पास, बचा आई स्क्वायर डी एल इज इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर डी एल, ठीक है, हाफ आई स्क्वायर डी एल, तो टी डी इंटू डी थीटा, ठीक है। आई स्क्वायर डी एल से हाफ आई स्क्वायर डी एल को उस तरफ ले और माइनस कर दो, क्या बचा यहां पे, यहां बच गया, यहां बच गया मेरे भाई हाफ आई स्क्वायर डी एल इज इक्वल टू टी डी टाइम्स ऑफ डी थीटा, ये ऐसा, ठीक है। तो यहां से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो बड़े आसानी से आएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या आएगा, ये आ जाएगा टी डी इज इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर डी एल डिवाइडेड बाय डी थीटा, ऐसा, ठीक है, हाफ आई स्क्वायर डी एल डिवाइडेड बाय डी थीटा। ये आपके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला किसके लिए, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे आपने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या याद रखा था, बी आई एन ए, वैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को आपको मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का भी याद रखना है, हाफ आई स्क्वायर डी एल अपॉन डी थीटा। और यहां पर आई स्क्वायर का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, मुझको नहीं लगता कि दोबारा मुझको एक्सप्लेन करने की नीड है, ठीक है। तो जस्ट आपको बताऊं तो dl अपॉन d थीटा जो होता है, यहां पर लिख दे रहा हूं अलग से इसको मैं, dl अपॉन d थीटा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट अक्सर हम लिखते हैं माइक्रो हेनरी पर रेडियन। थीटा माने डिफ्लेक्शन, इंडक्टेंस ना ऐसा नहीं कि इंडक्टेंस दो तीन हेनरी का चेंज हो जाता है, इंडक्टेंस ना छठवें डेसिमल के बाद चेंज होता है, बट दैट स्मॉल चेंज ऑल्सो वी आर यूजिंग इन आवर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो माइक्रो हेनरी पर रेडियन ऐसा लिखा है, लेकिन आप हमेशा अपने एग्जाम में केयर करेंगे, अगर आपको केवल डी, सुनना मेरी बात वाली ध्यान से ना, अगर आपको केवल डी एल अपॉन डी थीटा लिख के दिया है तो आपको यूनिट हमेशा अज्यूम करनी है क्या, माइक्रो हेनरी पर रेडियन, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा केयर करना है कि भाई इसका यूनिट आपको क्या लिख के दिया है, माइक्रो हेनरी पर रेडियन और डिग्री है ना,
माइक्रो हेनरी पर डिग्री भी लेके चल सकता है। तो आपको पता रहे कि कुछ नहीं दिया है तो भाई ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट तो आपका रेडियन होता है, तो हम रेडियन मान के चलेंगे अगर कुछ भी नहीं दिया है तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया है ना, बट ये डी एल अपॉन डी थीटा जो होता है ये ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होता है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल में अभी देखना आप इसका इफेक्ट आएगा, इसकी वैल्यू भी लेंगे, लेकिन आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो क्या होगा आपके पास, क्या बोला इसने सर, अगर डिग्री में होगा तो कन्वर्ट करना होगा, नहीं ऐसा नहीं है, डिग्री में होगा तो कन्वर्ट करना होगा वैसी बात नहीं है। तो देख आंसर में तेरे को डिग्री में निकालने बोला है कि रेडियन में निकालने बोला है, तो अल्टीमेटली यू कैन गो विथ एनीथिंग। अंत में आपका जो आंसर, अगर आपने लेके रखा है क्या माइक्रो हेनरी पर रेडियन, तो अंत में जो आपके डिफ्लेक्शन का आंसर आएगा दैट विल कम इन रेडियन। अगर आपने ले रखा है माइक्रो हेनरी पर डिग्री, तो एंड में जो आपका आंसर आएगा वो किसमें आएगा, वो आपका डिग्री में आएगा, ठीक है। तो डीएल अपॉन डी थीटा इज एक्चुअली ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। अगर इसको ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट माने तो मैं ये बोल के चल सकता हूँ कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। और कल तो मैं आपको बता चुका हूँ ना ये आई स्क्वायर वाला सीन है ना, कल के लेक्चर में आपको ये आई स्क्वायर वाला पूरा सीन को डिटेल में बता दिया गया है कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो कल एक के वे लिखा था, तो के वे में ना ये डीएल अपॉन डी थीटा भी शामिल था। मैं बोला था आपसे कि मैं बात करूंगा कि डीएल अपॉन डी थीटा का सिचुएशन या स्टोरी क्या होता है, ये आपको पता रहे बहुत अच्छे फॉर्मेट में, ठीक है। तो डिग्री में है अगर गलती से तो अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एल्स तो उतनी नीड नहीं, ठीक है। हालांकि मैं न्यूमेरिकल लूंगा तो मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, अगर मैं न्यूमेरिकल लूंगा तो उसको बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अभी देखिए टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है यहाँ पे, स्प्रिंग कंट्रोल टेक्नोलॉजी है ना। इसका मतलब क्या, कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ थीटा। कंट्रोलिंग टॉर्क इज व्हाट, कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ थीटा। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क के टाइम्स ऑफ थीटा होता है, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू कंट्रोलिंग टॉर्क, मतलब क्या, हाफ आई स्क्वायर डीएल डिवाइडेड बाय डी थीटा इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ थीटा। अब ध्यान रखना कि अगर ये माइक्रो हेनरी पर रेडियन में है तो थीटा का आंसर आपका रेडियन में निकलेगा, अगर ये माइक्रो हेनरी पर डिग्री में है तो फिर थीटा का आंसर आपका डिग्री में आएगा। ये बस आपको मेंटली क्लियर रहे कि भाई रेडियन और डिग्री का क्या एप्लीकेशन होता है, रेडियन और डिग्री का क्या एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो यहां से एक बार आप और देख लो, थीटा कैसा दिखेगा, थीटा दिखेगा हाफ आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय के डीएल डिवाइडेड बाय डी थीटा। तो यहां से हमको ये स्क्वायर लॉ फॉलो करता हुआ बिल्कुल दिखाई देगा, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ये आपके पास स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये क्या करता है आपके लिए, ये आपके लिए स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। ये आपके लिए स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कि अपने लिए स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और स्क्वायर लॉ को फॉलो करने की वजह से ही इसको हम लोग एसी मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एसी मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक। समझ गए यहां तक सभी लोग, है ना। तो कब किसको कैसे एसी वगैरह मेजर करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि एसी मेजरमेंट के लिए हम उसको यूज करते हैं। क्लियर, सभी समझ गए, है ना। पूछो भाई, 5-6 बार स्पैमिंग कर डाले, अब पूछ रहे हैं सर आई हैव अ क्वेश्चन, तो पूछिए यार, है ना, जल्दी पूछिए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैं आपको एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में बताया। अच्छा, इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के ऊपर ना एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये नहीं कि इसको अपन इग्नोर करके चल दें। यू शुड नो कि क्या पता होना चाहिए और क्या पता नहीं होना चाहिए, दैट यू शुड नो, ठीक है। ये हो गया आपके पास, है ना। अभी क्या है, एक तो चीज हम पढ़ते हैं हमेशा, पीएमएमसी में भी पढ़ा था, यहां पर भी पढ़ना पड़ेगा, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ मीटर, दैट इज व्हाट, एक्सटेंशन ऑफ मीटर। बट यहां पे ना एक्सटेंशन में एक स्पेशल चीज आने वाली है, ठीक है। जब हम पीएमएमसी पढ़ रहे थे, है ना, तो पीएमएमसी के साथ स्टोरी ये थी कि वहां पे लगा हुआ था परमानेंट मैग्नेट। पीएमएमसी में क्या लगा हुआ था, परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ था, ठीक है। यहां पे क्या लगा हुआ है, यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है, है ना। दीपांशु जी ने लिखा है, अगर डी एल अपॉन डी थीटा हेनरी पर रेडियन में दिया है तो क्या इसको माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे। दीपांशु देखो, जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, या तो मिली हेनरी में दिया है,
या तो माइक्रो हेनरी में दिया है, हेनरी में कभी दिया नहीं है, रीजन बीइंग कि इतना चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर दिख गया हेनरी में, है ना, अगर आपको दिख गया हेनरी में, तो आप समझ लेना कि वो क्वेश्चन का उतना प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई एग्जाम में और आपको जैसे रैंडम नंबर फ्रेम करके दे दिया, ठीक है। डीएल अपॉन डी थीटा प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट नहीं होता, इट इज रीजन फॉर क्रैम्ड स्केल, नहीं, क्रैम्ड स्केल का रीजन वो आई स्क्वायर वाला है, ठीक है। डीएल अपॉन डी थीटा का उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो डीएल अपॉन डी थीटा कैसे चेंज होगा, छठवें डेसिमल के बाद चेंज होगा, तो उसको मैं उतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मानूंगा, मतलब वो कुछ ब्लंडर चेंजेस नहीं कर सकता। वो क्रैम्पिंग की कहानी पूरी स्क्वायरिंग पे बेस्ड थी, जो कल आपको मैंने समझाया था, क्रैम्पिंग वाली स्टोरी, ठीक है। अमोंग अस 6 बार स्पैम करने के बाद ये कौन सा सब्जेक्ट है ना, ये हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, हम इतिहास की बात कर रहे हैं आज, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बार क्या बोलते हैं, ये मूविंग अराउंड इंस्ट्रूमेंट आया था, ठीक है, हिटलर जी इस मूविंग अराउंड इंस्ट्रूमेंट को लेके जर्मनी से हिंदुस्तान आए थे, इस कारण इसको मैं पढ़ा रहा हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है। तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा इसको, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री की कॉपी बना लें, एक नई खरीद लें आप, वहाँ पे आप नोट करें, मूविंग अराउंड इंस्ट्रूमेंट डिजाइन बाय हिटलर, ठीक है, ब्रॉट इन इंडिया, ऐसा करके आप बना सकते हैं, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट है अभी आके पूछ रहे हो आप, है ना। हाँ, अगला हेडिंग, इंपॉर्टेंट हेडिंग, एक्सटेंशन ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, एक्सटेंशन ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हाँ, कौन सा रास्ता चला था उसको वास्को डी गामा से पूछना भाई। चलिए अब अपन स्पैमर्स को बोलते हैं, इधर आते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या, एक अनएक्सटेंडेड मीटर का डायग्राम बना के देता हूँ मैं आपको, एक अनएक्सटेंडेड मूविंग आयरन मीटर का डायग्राम बना के देता हूँ, है ना। तो देखिए ये आपके पास अनएक्सटेंडेड मूविंग आयरन मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको क्यों लगाया गया है आपको मालूम है ना, इसको यहाँ पे ऐसा चीज अपन क्यों लगाते हैं, ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। कॉइल है तो उसका रेजिस्टेंस होगा ही होगा, पिछले बार पीएमएमसी में परमानेंट मैग्नेट था तो इंडक्टेंस आने का सवाल ही नहीं था, अभी यहाँ पे इंडक्टेंस आएगा। बेटा क्यों इंडक्टेंस आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। तो ये आपका अनएक्सटेंडेड पीएमएमसी आपको देखने को मिल गया, अनएक्सटेंडेड पीएमएमसी, ठीक है। तो ये आपका आरएम, ये आपका एलएम, मतलब मीटर के एक्सटेंशन से पहले जो आरएम और एलएम होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है ये आपके पास आईएम करंट फ्लो कर रहा है ना। आईएम क्या है यार, कोई पूछे सर आईएम क्या चीज है, सर आईएम आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, आईएम इज योर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। इस एमिटर का रेंज एक्सटेंड करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, है ना, हम शंट में कुछ लगाएंगे, सीरीज में कुछ लगाएंगे, और अगर कुछ लगाएंगे तो क्या लगाएंगे ये बताइए, है ना। इसके रेंज एक्सटेंशन के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, इसके रेंज एक्सटेंशन के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे वो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। तो आप बताएं सभी लोग कि भाई रेंज एक्सटेंशन के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, है ना। रेंज जब एक्सटेंड होगा तो उसको एक्सटेंड करने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, दैट यू टेल मी, है ना, कि हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, है ना, फटाफट बताएं कि अपन क्या यूज करने वाले हैं। अब आप लोग बताएं, तो पीएमएम से पढ़ा चुका हूं पूरा, है ना, तो आपको पता है कि एक्सटेंशन किस चीज का होने वाला है, आपको पता है कि एक्सटेंशन किस चीज का होने वाला है ना। फर्मी पैराडॉक्स बोल रहे हैं रेजिस्टेंस लगाएं, लेकिन बेटा रेजिस्टेंस कहां पे लगाना है और किस वैल्यू का लगाना है, कम वैल्यू का लगाना है, ज्यादा वैल्यू का लगाना है, ये बताना है आपको, ठीक है, रेजिस्टेंस लगाना, ठीक है। सिद्धार्थ ने बोला कि सर अपन लगाएंगे यहाँ पे शंट कॉइल, अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे सर, शंट कॉइल, और बाकी लोग का आंसर है ना कि हम क्या लगाएंगे, पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है, पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक। अमीटर का रेंज एक्सटेंड करना,
मीन्स वॉट, इसकी करंट कैरिंग कैपेबिलिटी कम है। अगर करंट कैरिंग कैपेबिलिटी कम है तो करंट कैरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, इंपीडेंस को कम करना पड़ेगा। बेटर वर्ड मैं यहाँ पे इंपीडेंस यूज करता हूँ, बिकॉज इंपीडेंस इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो जो लगा है वो इंपीडेंस है ना, तो आई विल बी यूजिंग द वर्ड कॉल इंपीडेंस। हम इंपीडेंस वर्ड यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, हम इंपीडेंस वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। व्हाट वी विल डू, विल डू इंपीडेंस वर्ड, ठीक है, इंपीडेंस को हम लोग यूज करेंगे, क्लियर। अब मैं बोलता हूँ कि इंपीडेंस यूज करेंगे, तो मैं फिलहाल आपको बोल रहा हूँ कि मैं शंट में ना ऐसा ही आइडेंटिकल एक इंपीडेंस लगा देता हूँ। यहाँ पे तो R और L है, तो मैं आपके लिए अगेन R और L ही लगा रहा हूँ, बट उस R और L को लगाने का रीजन क्या है, केवल R क्यों नहीं लगाए हैं, उस पे अभी आ रहा हूँ, ठीक। देखिए शंट में मैंने लगा दिया ऐसा एक इंडक्टेंस, और शंट में मैंने ऐसा इंडक्टेंस लगा दिया, ठीक है, ये देखिए, ये ऐसा शंट में इंडक्टेंस लगा दिए, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास, ये होगा आपके लिए R S H और ये हो जाएगा आपके पास L S H। अभी इसको क्यों लगाया हूं, इस पॉइंट पे आऊंगा अभी, है ना, अभी क्यों लगाया हूं इस पॉइंट पे आऊंगा, डोंट वरी, क्यों लगाया हूं उस पॉइंट पे आऊंगा, है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास I, और ये हो जाएगा आई एस एच, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो एक्ट कर रहा है सप्लाई, है ना, यहां पे जो सप्लाई एक्ट कर रहा है आप समझिएगा, ये सप्लाई कैसा होगा, ये सप्लाई होगा एसी, एसी मतलब क्या, वी कॉमा ओमेगा। ये सप्लाई कैसा होने वाला है, ये सप्लाई होने वाला है एसी, एसी मतलब क्या, वी कॉमा ओमेगा। इसका फ्रीक्वेंसी भी होगा, इसका हाँ फ्रीक्वेंसी भी होगा, ठीक है। सर फ्रीक्वेंसी से कुछ फर्क पड़ता है क्या, सोचिए आप, फ्रीक्वेंसी से कुछ फर्क पड़ता है क्या, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है फ्रीक्वेंसी से। आपको बताता हूँ मैं कि अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे सबसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी एम दैट इज इक्वल टू टोटल करेंट डिवाइडेड बाय आई। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बट ये जो मीटर है ना, ये जो मीटर है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। ये मीटर किस पे डिपेंड कर रहा है, ये मीटर की हर एक रीडिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि हम क्या देखने मिल रहा है हमको कि भाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी यहाँ पर है ना। तो फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी से क्या होगा सर, आपको पता रहे कि मान लीजिए ये मीटर कोई नंबर रीड कर दिया, मान लीजिए कि ये मीटर कोई नंबर रीड कर दिया, है ना। अब ये ना कभी नीडल इसका स्टेबल होगा ही नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में लगातार चेंजेस होते हैं। आपने फ्रीक्वेंसी मीटर का अगर नाम सुना है ना, तो आप फ्रीक्वेंसी मीटर को लगा के देखिएगा, आप फ्रीक्वेंसी मीटर को लगा के देखिए। जब आप फ्रीक्वेंसी मीटर को लगाएंगे तो आप देखना कि जो इंडिया की फ्रीक्वेंसी है, इंडियन नेशनल ग्रिड की जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की, इसमें ना प्लस माइनस 5% का वेरिएशन अलाउड है, प्लस माइनस 5% का वेरिएशन अलाउड है। इसका मतलब क्या, ये फ्रीक्वेंसी लगातार फ्लक्चुएट करते रहती है 949.5 हर्ट्ज से लेके 50.5 हर्ट्ज में, लगातार ये फ्लक्चुएट करता रहेगा इन दो नंबर के बीच में, 49.5 हर्ट्ज से लेके 50.5 हर्ट्ज के बीच में लगातार ये क्या करता रहेगा, लगातार आपके लिए फ्लक्चुएट करता रहेगा, ठीक है। अगर ये लगातार ऐसा ही फ्लक्चुएट करता रहा तो हमारे तो बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो आपका रीडिंग है दिस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर एंड आई इज डेफिनेटली proportional to V upon Z and V upon Z is proportional to frequency. So theta is proportional to frequency in some or the other manner. Frequency पे proportional है आपका theta. तो अगर आपका deflection कभी भी constant नहीं होगा, ठीक है, तो this meter is frequency dependent. This meter is frequency dependent. This meter is frequency dependent, most important thing. जो ये मीटर है ना, ये मीटर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर ये मीटर आपके लिए फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो
तो ये सही चीज नहीं है मेरे भाई, ये सही चीज आपके लिए नहीं है। तो हमारा मेन टास्क यहाँ पे ये है कि फ्रीक्वेंसी से डिपेंडेंसी को हम हटाएं। हम क्या कर पाए यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी से डिपेंडेंसी को इसके कैसे भी करके हटाएं। अब सुनना, हटेगा कैसे, ठीक है? देखिए अगर हटाने की बात आती है तो मैं एक रेशियो लिख सकता हूं, एक बहुत नॉर्मल चीज लिखता हूं, चलो आपके लिए, वोल्टेज इज करंट मल्टीप्लाइड बाय इंपेडेंस, ठीक है? तो करंट विल बी इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपेडेंस, क्लियर? अब मैं यहां पे ना आईएम और आईएसएच का रेशियो लिखता हूं, आईएम मीटर करंट डिवाइडेड बाय शंट करंट का रेशियो लिखता हूं, मीटर करंट डिवाइडेड बाय शंट करंट का मैं आपके लिए रेशियो लिखता हूं। तो ये रेशियो कैसा आएगा, ये आएगा V डिवाइडेड बाय Zm अपॉन V डिवाइडेड बाय Zsh। भाई करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इंपेडेंस, तो V अपॉन Zm, V अपॉन Zsh, ठीक है? सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, V अपॉन Zm मल्टीप्लाइड बाय Zsh डिवाइडेड बाय V। तो V और V हो गया कैंसिल, तो Im डिवाइडेड बाय ISH इज इक्वल टू ZSH डिवाइडेड बाय Z, करेक्ट है एकदम? ये आपके पास लिख दिया मैं, Im अपॉन ISH के रेशियो को ZSH डिवाइडेड बाय Zm, ऐसा मैंने लिख दिया यहां पे, ठीक है? अब ZSH को मैं क्या लिख सकता हूं, ये Im डिवाइडेड बाय ISH, ठीक है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ZSH एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस का सम, लेकिन कैसा सम, इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो ये कैसा आएगा, RSH का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर LSH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट RN का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर LN का स्क्वायर। ये IM डिवाइडेड बाय ISH का मैंने वैल्यू लिख दिया, IM डिवाइडेड बाय किसका वैल्यू लिख दिया, IM डिवाइडेड बाय ISH का वैल्यू लिख दिया। क्लियर कट आपको दिख रहा है कि दो जगह फ्रीक्वेंसी का टर्म है और ये फ्रीक्वेंसी का टर्म हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी का टर्म हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और ये तो मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि देखो दिस मीटर इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, थीटा प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर के, है ना, और ये प्रोपोर्शनल होगा इसके स्क्वायर के, तो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। डिपेंडेंसी है मीटर पे, डिपेंडेंसी है मीटर पे, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक। अभी मैं क्या करता हूं, जो पहला टर्म लिखा है न्यूमरेटर पे, है ना, यहां से मैं आर एस एच स्क्वायर को कॉमन निकाल देता हूं, ठीक है? देखो किसको कॉमन निकाल दिया, आर एस एच स्क्वायर को न्यूमरेटर से कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस ओमेगा अपॉन एल एस एच अपॉन आर एस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर एन का स्क्वायर इंटू वन प्लस ओमेगा एल एम अपॉन आर एन का होल स्क्वायर, ये ऐसा हो गया मेरे पास, ठीक है? इसको हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है? ये देखिए ऐसा लिख दिया, है ना, लिखाऊं बेटा इनवर्स ही तो लिखाऊं, इनवर्स ही लिखाऊं भाई, है ना, पीछे देख लेना वीडियो में, इनवर्स प्रोपोर्शनल ही लिखाऊं, ठीक है? ये ऐसा आ गया, ठीक है? ये आर एस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये आर एम स्क्वायर भी रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो क्या लिख सकता हूं कि आई एम डिवाइडेड बाय आई एस एच इज इक्वल टू आर एस एच अंडर रूट वन प्लस ओमेगा एल एस एच डिवाइडेड बाय आर एस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर एम अंडर रूट वन प्लस ओमेगा एल एम डिवाइडेड बाय आर एम
का होल स्क्वायर, ये ऐसा कर लिया, ठीक है, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब देखो एल अपॉन आर को क्या बोलते हैं, अगर आप किसी भी कॉइल के बारे में जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एल अपॉन आर को हम क्या कहते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट कहते हैं। एल अपॉन आर को हम क्या कहते हैं, एल अपॉन आर को हम कहते हैं मेरे भाई टाइम कॉन्स्टेंट, ठीक है। एल अपॉन आर को अगर हम टाइम कॉन्स्टेंट बोलेंगे, एल अपॉन आर को अपन टाइम कॉन्स्टेंट बोलेंगे, ठीक है, तो आप देखो है ना, एल अपॉन आर को हम टाइम कॉन्स्टेंट बोलेंगे, तो मैं ऐसा करता हूं, एक स्पेशल केस लगाता हूं, देख एक स्पेशल केस लगा देता हूं आपके लिए, ठीक है, जिस केस में मैं लिखा कि एल एस एच डिवाइडेड बाय आर एस एच बराबर होगा एल एम डिवाइडेड बाय आर एम। दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं कि जो आपका शंट कॉइल का टाइम कांस्टेंट है, ये आपके मेन कॉइल का टाइम कांस्टेंट हो, या आपके मीटर वाले कॉइल का टाइम कांस्टेंट हो, ठीक है सर। अगर ये रूट वाले टर्म सेम हो जाए तो काम बन जाएगा, बिल्कुल यार एकदम करेक्ट पकड़े हो आप, है ना, वही तो करवाया कि कैसे भी करके ये रूट वाले टर्म को मैंने सेम करवा दिया। अगर ये रूट वाला टर्म सेम हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो आपका आई एम होने वाला है, देखो जो आपका आई एम डिवाइडेड बाय आई एस एच होने वाला है, इसको मैं आर एस एच डिवाइडेड बाय आर एम करवा दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट इफ वी वांट टू मेक मूविंग आर एन इंस्ट्रूमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सबसे पहली चीज तो वी हैव टू एक्सटेंड इट, एक्सटेंड तो करना ही करना है आपको, मूविंग आयरन को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। मैं क्या बोला, आपको मूविंग आयरन को ना एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्यों, अगर आप एक्सटेंड नहीं करेंगे तो कभी भी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो नहीं पाएगा, ठीक है। सो मैं यहां पे लिखूं, अगर इफ वी वांट टू मेक, इफ वी वांट टू मेक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट independent of frequency, moving iron instrument independent of frequency, अगर हम चाहते हैं कि हम moving iron instrument को independent of frequency बना पाएं, if we want to make moving iron instrument independent of frequency, then we have to extend, then we have to extend it, we have to extend it with TSH equal to TM, मतलब अरे कुछ भी रैंडम एक्सटेंड नहीं कर देंगे, ऐसा नहीं कि भाई अपन आए और बोले कि चलो यार इसको अपने को एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड करना है तो कोई सा भी कॉइल लगा दो, ना 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 ना, ऐसा ना होने वाला है, ठीक है। एक्सटेंड करना है तो हमको ऐसा ही कॉइल लगाना पड़ेगा जिसका टाइम कॉन्स्टेंट ऊपर वाले के टाइम कॉन्स्टेंट से सेम हो, तब जाके ये फ्रीक्वेंसी वाले टर्म्स होंगे कैंसल आउट और आपका इस्टेब्लिश होगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इस्टेब्लिश होगा तो जो आपका नीडल है वो कभी भी ऑसिलेट करेगा नहीं, वो आपके एक स्टडी स्टेट जहाँ पे रुकेगा और उसके बाद आपका यहाँ पे नीडल स्टेबल होगा और आप रीडिंग ले, ठीक है। तो फिर मैं रिस्टार्ट करूँ, ठीक है, देखिए क्या हुआ कि ये सब तो मैंने कर डाला है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि LSH upon RSH, LM upon RN, time constant of shunt and series coil should be same, तभी जाके हमारा काम यहाँ पर बन पाएगा, तभी जाके अपना काम यहाँ पे बन पाएगा। तो ऐसा अपने को एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे एक्सटेंड करते टाइम हमारे ध्यान में ये होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी की बात तो आज तक कही थी क्योंकि पीएमएमसी पढ़े थे, पीएमएमसी में फ्रीक्वेंसी से क्या ही बात थी, क्योंकि पीएमएमसी में तो हम लोग डीसी मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे अपने को क्लियर रहे भाई फ्रीक्वेंसी हमारे लिए बहुत ही आला दर्जे का पैरामीटर है, बहुत ही आला दर्जे का पैरामीटर है, ठीक है। अर्जुन अग्रवाल जी बोल रहे हैं ब्लॉक मी, है ना, ये तो वैसे ही हो गया आओ मुझे मारो करके, ठीक है। तो और बहुत सारी जगह है जहाँ आसानी से ब्लॉक हो सकते हैं, तो ट्राई देयर, है ना, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ नहीं किया जाता, ठीक है। तो आप बिल्कुल कुछ फ्रस्ट्रेशन है तो कमेंट बॉक्स में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए
ये हो गया आपके पास एक्सटेंशन ऑफ अमीटर। तो अमीटर के एक्सटेंशन में ये ध्यान रखना है कि भाई रेजिस्टेंस से नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस से करने से कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेजिस्टेंस से आप करेंगे तो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे आप। तो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट करने वाले मैथमेटिक्स को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे मैंने कॉइल का इस्तेमाल किया था। अब एक और चीज भाई, अगर हमने मूविंग आयरन को एक्सटेंड किया है तो हम लोग को अभी एक्सटेंड किसको करना है, अभी हमको एक्सटेंड इसको भी तो करना है, एक्सटेंशन ऑफ अमीटर, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ वोल्टमीटर, एक्सटेंशन ऑफ वोल्टमीटर, एक्सटेंशन ऑफ वोल्टमीटर, हाँ है एक्सटेंशन ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है। तो चलिए वोल्टमीटर पे आता हूँ मैं, वोल्टमीटर बना देता हूँ सबसे पहले, तो एक अनएक्सटेंडेड अनएक्सटेंडेड वोल्टमीटर कैसे बनेगा, अरे वही नॉर्मल एक कॉइल और वो एक आपका सर्कल, वो सर्कल किस लिए बनता है, वो सर्कल बनता है आपके इंस्ट्रूमेंट के बाकी पार्ट्स को इंडिकेट करने के लिए, आपके इंस्ट्रूमेंट के बाकी पार्ट्स को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, क्लियर। इसका एक्सटेंशन कैसे परफॉर्म करेंगे, ये देखो ये हो गया आरएम, ये हो गया एलएम। अब भाई वोल्टमीटर है तो वोल्टेज बढ़ाना है, वोल्टेज बढ़ाना है तो सीरीज में कुछ लगाना होगा, सीरीज में कुछ लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या लगाऊं सीरीज में, लगाना आरएल लगा लूं, अबे क्या होगा आरएल लगाने से, आरएल लगाऊंगा तो होना तो वही है भाई, आरएल लगाने से तो एक ही समस्या है कि भाई वो आपके पास फ्रीक्वेंसी अभी भी मेंटेन रहेगी, भाई दो रेजिस्टेंस दो इंडक्टेंस का इक्विवेलेंट भी तो एक इंडक्टेंस ही होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट नहीं होने वाला है यहाँ पे। अगर मैं केवल यहाँ पे सादा सुंदर टिकाऊ एक इंडक्टेंस लगा दूं तो कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ डिफरेंट कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ कि डिफरेंट कैसे करेंगे, ठीक है। डिफरेंट करेंगे हम ऐसे, देखो मैं लगाता हूँ यहाँ पे सबसे पहले तो केवल एक रेजिस्टेंस है ना, और इंडक्टेंस के इफेक्ट को दुनिया में एक ही व्यक्ति कैंसिल कर सकता है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति का नाम है मेरे भाई कैपेसिटर, उस व्यक्ति का नाम क्या है कैपेसिटर, ठीक। तो जो आपके लिए ये सब कैंसिलेशन परफॉर्म कर सकता है उसका नाम आपके पास है कैपेसिटर, उसका नाम आपके पास क्या है कैपेसिटर। तो सादा रेजिस्टेंस नहीं लगाऊंगा, साथ में एक कैपेसिटर भी लगाऊंगा, तो ये कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे आरएसी और सीएसी। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर कैपेसिटर को अपन सीरीज में ही लगा देते हैं ना, किस किस के मन में ये सवाल आ रहा है, जिनका भी मन थोड़ा सा भी चंचल है उनके दिमाग में तो ये सवाल आना चाहिए कि सर कैपेसिटर को आपने पैरेलल में क्यों लगाया है, सर कैपेसिटर को सर आपने पैरेलल में क्यों लगाया है, सर डायरेक्टली लगा देते आप कैपेसिटर को, आप डायरेक्टली लगा देते सर, है ना, वो तो अपने आप इंडक्टेंस को कैंसिल कर डालता, तो ऐसा क्यों नहीं किया सर आपने डायरेक्टली आपने कैपेसिटर को लगा दिया पैरेलल में, सीरीज में क्यों नहीं लगाया, है ना। एक अच्छे स्टूडेंट को ना हर चीज का रीजन पता होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि आए रटे और चल दिए, ठीक है। अब देखता हूँ तीन चार लोग कमेंट वमेंट करने आए थे सर रट रहे हैं ये वो करके, तो आप समझ सकते हो ना, आप अपन तो अच्छे स्टूडेंट हैं, आप भी अच्छे स्टूडेंट हो, बाकी उनका क्या पता, ठीक। तो कैपेसिटर सीरीज में क्यों नहीं लगाया सर, जे एक्स और माइनस जे एक्स तो सबसे आसानी से कैंसिल होता दुनिया में, फिर मैंने पैरेलल में लगाया। अरे वो इसलिए लगाया क्योंकि भाई अगर कैपेसिटर को लगाऊंगा सीरीज में तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी तो वोल्टेज आएगा और बढ़ जाएगा इसका रेंज, तो उतना रेंज नहीं बढ़ाना है, सीरीज में कैपेसिटर लगाना मतलब रेंज को और बढ़ाना, सीरीज में कैपेसिटर लगाना मतलब रेंज को और बढ़ाना। अगर सीरीज में कैपेसिटर लगाने की मैं बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे जो आपका जेड इक्विवेलेंट है मीटर का, ये कैसा आएगा, आर एम प्लस जे ओमेगा एल एम प्लस RSE parallel with 1 upon omega j omega CSE capacitor का इंपेडेंस, ये ऐसा लिख दिया आपके पास, है ना। अर्जुन अग्रवाल जी कुछ मंगल ग्रह की बातें कर रहे हैं, है ना, ठीक। तो Z equivalent कैसा होगा, ये होगा RM plus j omega LM प्लस आर एस ई मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन जे ओमेगा सी एस ई,
डिवाइडेड बाय आर एस ई प्लस वन अपॉन जे ओमेगा सी एस ई, खटाखट कैलकुलेशन करना है ठीक है। तो देखो जेड इक्विवेलेंट कैसा आएगा, जेड इक्विवेलेंट आएगा आर एम प्लस जे ओमेगा एल एम प्लस ये हो जाएगा आपके पास कैसा, आर एस ई डिवाइडेड बाय वन प्लस जे ओमेगा आर एस ई सी एस ई, दिख गया इक्वेशन ठीक है। ये पूरा इक्वेशन दिख गया आपको। अब क्या करना है देखिए, Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर एम प्लस जे ओमेगा एल एम प्लस इसको करना पड़ेगा मेरे भाई रेशनलाइज, वन प्लस जे ओमेगा आर एस ई सी एस ई मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस जे ओमेगा आर एस ई सी एस ई डिवाइडेड बाय वन माइनस जे ओमेगा आर एस ई सी एस ई। ये ऐसा इसका अपन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, इसका हम परफॉर्म कर दे रहे हैं रेशनलाइजेशन। तो ये हो गया आर एम प्लस जे ओमेगा एल एम ठीक है, और ऊपर आएगा आर एस ई इंटू वन माइनस जे ओमेगा आर एस ई सी एस ई डिवाइडेड बाय ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आर एस ई का स्क्वायर सी एस ई का स्क्वायर ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट करना है भाई तो क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट करने के लिए चाहिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू जीरो ठीक है। कैसे होगा देखो, आर एम आर एस ई को भूल जाओ, इट्स अ रियल पार्ट है, बचा गया जे ओमेगा एल एम, तो ओमेगा एल एम माइन शुड बी इक्वल टू ओमेगा आर एस ई सी एस ई ठीक है, ओमेगा आर एस ई का स्क्वायर है ना। देखो ये आर एस ई कितना जाएगा, ओमेगा आर एस ई का स्क्वायर बन जाएगा, डिनोमिनेटर को देखो आप, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आर एस ई स्क्वायर सी एस ई को ना मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ना मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ ठीक है। सिद्धार्थ अगर कैपेसिटर को सीरीज में लेगा तो फिर कैपेसिटर के क्रॉस भी तो वोल्टेज आएगा, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आएगा मतलब रेंज जितना बढ़ाना है उससे ज्यादा और बढ़ जाएगा, उससे ज्यादा आपके पास और बढ़ जाएगा, इस कारण अपने को नीड नहीं है उसकी ठीक है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वन ओमेगा स्क्वायर आर एस ई का स्क्वायर सी एस ई, ये किसके बराबर होगा, सी एस ई का भी स्क्वायर, ये बराबर होगा वन के। सर ये कैसे लिख दिया आपने, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आर एस ई स्क्वायर सी एस ई स्क्वायर। कैपेसिटर का साइज देखे हो तुम, इतने बड़े बड़े जो कैपेसिटर आते हैं ना वो भी माइक्रो फैराड में होते हैं ठीक है। कैपेसिटर का फॉर्मूला देखे हो तुम, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ए तो ओवरलैपिंग एरिया है, डी आपका डिस्टेंस है। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है 8.85 इनटू 10 टू द पावर -12 फैराड पर मीटर है ना। तो 10 टू द पावर -12 मतलब पीको फैराड के कैटेगरी में होता है कैपेसिटर, किसके कैटेगरी में, पीको फैराड के कैटेगरी में ठीक है। तो पीको फैराड के कैटेगरी में होता है अगर कैपेसिटर, तो आप ना 1 फैराड का कैपेसिटर नहीं बना सकते, 1 फैराड का कैपेसिटर बनाने के लिए जो आपका एरिया है ना वो 10 टू द पावर 12 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 10 टू द पावर 9 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए, समझ रहे हो, इंडिया जितना बड़ा कैपेसिटर बन जाएगा है ना। तो कैपेसिटर का साइज बहुत छोटा होता है, मतलब अगर सी एस ई में लिया भी हो तो किसमें होगा, पीको फैराड में होगा, पीको फैराड होगा मतलब 10 टू द पावर -12 होगा, उसका स्क्वायरिंग कर दो, उसका स्क्वायरिंग करोगे 10 टू द पावर -24 हो जाएगा, मतलब क्या, अरे वो नंबर 24वें डेसिमल के बाद स्टार्ट होगा, तो क्या बेवकूफ समान 23 जीरो लिखते जाएंगे, नहीं लिखेंगे ना, नेग्लेक्ट कर देंगे सीधा उसको उठा के। तो ये बना एक्सप्रेशन, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, कैपेसिटर का वैल्यू कितना होना चाहिए है ना, तो कैपेसिटर जो हम लगाएंगे पैरेलल में बहुत सोच समझ के लगाएंगे, और उस कैपेसिटर के वैल्यू को हम कैसा रखेंगे, इस कैपेसिटर के वैल्यू को हम रखेंगे एल एम डिवाइडेड बाय आर एस ई का होल स्क्वायर ठीक है। तो सोच समझ के इस कैपेसिटर के नंबर को डिसाइड किया जाएगा, रखा जाएगा, तब जाके आपका ये मीटर फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होगा। अब मुझको लगता है कि जो मेरी पूरी बातों को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सुना है उसको हर एक चीज का मीनिंग क्लियर है, कि वहां पे शंट में रेजिस्टेंस क्यों नहीं लगा रहे हैं, सीरीज में हम कैपेसिटर क्यों नहीं लगा रहे हैं, किस चीज को कहां पे लगाने का मतलब क्या है, मतलब वो सर्किट को ना एकदम अंदर से समझ पा रहा है, सोच पा रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग का टॉर और एक्सटेंशन दोनों एंड हुआ,
कल हम बात करेंगे EMMC मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल, है ना, जिससे बाद में आगे जाके पावर मेजरमेंट में क्या बनेगा, पावर मेजरमेंट में बनेगा वहां से डायनेमोमीटर। पावर मेजरमेंट में क्या बनेगा, वहां से आपके पास डायनेमोमीटर बनेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक के आप मेजरमेंट को एंजॉय कर रहे होंगे। आप इस सेशन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, लास्ट के तीन लाइंस देख भाई, यहां तक आ गया तेरा, है ना। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आरएसी स्क्वायर इनटू सीएसी का स्क्वायर। सीएसी मतलब क्या, कैपेसिटर। कैपेसिटर का वैल्यू कैसे होता है, पिको फैरेड। पिको फैरेड में 10 टू द पावर -12, उसको भी स्क्वेयरिंग करते क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर -24, मतलब 24वें डेसिमल के बाद उस कैपेसिटर का नंबर आना स्टार्ट होगा। तो मैं दूसरे टर्म को इग्नोर करके केवल 1 बना दिया। अब क्या बचा, Rn j omega Ln plus Rac minus j omega Rac square Cac। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को जीरो किया, मतलब omega Ln should be equal to omega Rac square Cac। तो यहां से Cac का वैल्यू मिल गया Ln upon Rac का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये हो गया अपने पास सब कुछ खत्म, खल्लास समाप्त, है ना। तो आपसे मिलते हैं कल, क्योंकि बीच में एक दिन लेक्चर मेरा नहीं हो पाया था, माइक खराब था करके, है ना। तो कल मैं उस पर कंपनसेशन के लिए एक लेक्चर रख लिया हूँ मेजरमेंट का, सैटरडे को भी। एक्चुअली सैटरडे को होता नहीं है, मंडे टू फ्राइडे होता है, बट ठीक है, फिर भी मैंने कल एक रख रखा है। ठीक है, तो कल हम करेंगे अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू, है ना। ईएमएमसी की बात करना चालू करूंगा और ईएमएमसी को बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो पीएमएमसी के बाद आपका मूविंग आयरन खत्म, मूविंग आयरन के बाद कल हमारा ईएमएमसी भी खत्म हो जाएगा, परसों हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो जाएगा, परसों मतलब मंडे को इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म, फिर केवल आपको सवाल कराने चालू करूंगा बेसिक इंस्ट्रूमेंट के। ओके, तो थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर। ओके मैम।